रे हट जा ताऊ पीछे ने वीडियो बना दे जी वर कहने। तो भैया बोट ने भेजा ये 2.1 चैनल वाला अपना एक छोटू सा साउंड बार, कैमरे पे बड़ा दिख रहा होगा लेकिन अब तक का सबसे छोटा 2.1 चैनल साउंड बार देख रहा हूँ मैं, सच बताऊं। लास्ट मैंने 120 वॉट्स के साथ अवांते बार 1550 किया था, उसके कंपेयर में काफी कॉम्पैक्ट साइज है इसका, जिसपे तुमने 2 मिलियन यूज करा दिए, इंजीनियर बने अब, इसको खोलना आसान थोड़ी है। टन टन भाई गिर मत जाइयो, भाई गिर मत जाइयो, भाई 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 आराम से। ये रहा भाई साउंड बार पुस्तक बाजी, और ये बहुत छोटा भाई, इतना छोटा कैसे बना दिया, चलो कबाड़ में। सो गाइस वी हैव मेनी थिंग्स, या आ गया भाई, बहुत ही क्यूट सा है यार ये तो, ये बड़े सबवूफरों ने बच्चा कब से पैदा करा, हो सकता है इसी के बड़े भाई ने इसको छोटा कर दिया। तो इस पैकेट में मिलती है भाई ढेर सारी सामग्री, जिसमें से एक है यूजर मैनुअल, एक अपनी पावर केबल काफी अलग सी है, डिटैचेबल पावर केबल है, एक ऑक्स केबल, वॉल माउंट के लिए कुछ सामान, एंड एक अपना रिमोट। ये रहा भाई कुछ ऐसा सा बोल्ट का रिमोट है, बट हमें कोई सेल नहीं दिया भाई इन्होंने, देना शुरू कर दो यार, ब्रांड से रिक्वेस्ट है सेल दे दिया करो भाई, ढूंढने पड़ते हैं यार, हमारे पास नहीं होते यार, बहुत मुश्किल से इंतजाम करना पड़ता है हमें सेल का, सीरियस हो गए क्या। साउंड बार का डिजाइन देख सकते हो काफी ज्यादा सही लग रहा है भाई, यहाँ से एकदम ऐसे गोलू मोलू है, सामने की तरफ हमें आयरन मैश मिलती है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है यार, बाकी ऊपर की साइड ये पूरा पीछे का जितना भी सरफेस है ये सारा अपना ग्लोसी फिनिश में आता है, नीचे से पीछे से ऊपर से हर जगह से पूरा एकदम ब्लैक ग्लोसी फिनिशिंग में आता है, एंड साइड में अगर ध्यान दो तो यहाँ पे क्रोम फिनिश कर रखी है दोनों साइड पर है ये, इससे लुक तो काफी प्रीमियम आती है भाई। बाकी जो लेफ्ट साइड पे बोल्ट की ब्रांडिंग कर रखी है ये भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है यार, बाकी राइट साइड पे भी यहाँ पर हमें ग्लोसी फिनिश मिलती है, और हमारे और कंट्रोल करने के बटन्स, वॉल्यूम अप डाउन, पावर ऑन ऑफ, और एक यूएसबी पोर्ट, एंड लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पर कुछ नहीं है, लग रहा ढक्कन लगा के बंद कर दिया जैसे। बाकी नीचे की साइड दो रबर ग्रिप मिलती है, मतलब पैडिंग अच्छी है यार ये, रखने पर ऐसे थोड़ी हाइट सी भी मेंटेन हो जाती है और ग्रिप भी बढ़िया मेंटेन होती है। पीछे की साइड दो वॉल माउंट भी मिलते हैं, और यहाँ राइट साइड पे पीछे हमारे पोर्ट्स है सारे, तो एक मिलता है सबवूफर के आउटपुट का पोर्ट, एक HDMI ARC वाला पोर्ट, एक अपना ऑप्टिकल का पोर्ट, एक ऑक्स का पोर्ट, एंड एक अपना पावर इनपुट का पोर्ट। तो कनेक्टिविटी के लिए काफी ऑप्शंस है, ब्लूटूथ तो है ही, वायरलेसली कनेक्ट करना हो तो। मैं सही बताऊं मुझे काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज का प्रीमियम दिखने वाला और काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी का साउंड बार लगा, एंड काफी मिनिमलिस्टिक सा डिजाइन है, कोई ऐसे लाइट वाइट नहीं घुसा रखी, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, हमने दो साउंड बार रिव्यू भी करे थे गोवा वाला और बोट वाला, उनमें लाइटें घुसा रखी है, ये मिनिमलिस्टिक सा प्रोफेशनल सी लुक आती है इसकी, जो कि काफी लोगों को अच्छी भी लग सकती है, मुझे तो बढ़िया लगी। Power on. Bluetooth mode. वाह बोलता है भाई, इसमें तो कोई ट्यून व्यून नहीं बसती, बोलता है सीधा। तो राइट साइड पे हमें इसकी डिस्प्ले मिलती है, जनरली साउंड बार्स के अंदर ना सेंटर में डिस्प्ले आती है, बट ये काफी यूनिक अप्रोच कह सकते हो कि एक लगी मेरे को भी, हमें वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्ले होनी चाहिए। बाकी रिमोट कुछ ऐसा है, छोटा सा कॉम्पैक्ट है और अच्छा है, मतलब प्लास्टिक बिल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है, एक मोड स्विच करने का बटन मिलता है, एक म्यूट अनम्यूट करने के लिए, और यहाँ से वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाएगी और गाना आगे पीछे करने के लिए, मैक्स वॉल्यूम 32 तक चल जाती है अपनी। बाकी इक्वलाइजर के लिए मूवी म्यूजिक और न्यूज के बटन दे रखे हैं, और एक अपना पेयरिंग करने के लिए ये रीसेट करने का बटन, और ये है बेस को कम ज्यादा करने का, बेस अपनी +5 से -5 तक चली जाती है। ट्रेबल एडजस्ट करने का कोई बटन नहीं है इसके अंदर, तो वो आई गेस ऑप्टिमाइज होगी इसके अंदर ही अंदर, अपने आप ट्यूनिंग कर रखी है इन्होंने, सेट एकदम छेड़ने की जरूरत नहीं है, बाकी ऑप्शन होता तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहता। तो बोल्ड ने इसके अंदर बहुत सारे फीचर दे रखे हैं, तो इसमें कहा जा रहा है कि पता नहीं कैसी नेक्स्ट लेवल की साउंड होगी, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो एक बार फटाफट पहले साउंड चेक कर लेते हैं, बट उससे पहले सब ऊपर में नजर डालो, पूरा वुडन कैबिनेट आता है और इसका साइज काफी कॉम्पैक्ट है, मतलब देख के लगेगा नहीं कि 120 वाट देगा, बट यार मेंशन कर रखा है तो देगा यार ऐसे थोड़ी। सामने बोल्ट की ब्रांडिंग है, यहाँ नीचे छेद दे रखा है हवा पास करने के लिए, एंड यहाँ पर अपना ड्राइवर फिट है, बाकी हर जगह से बिल्कुल एकदम प्लेन है, कुछ नहीं है, नीचे अपनी रबर ग्रिप मिलती है जो इसको रखने के काम आएगी। और हाँ, जिन लोगों को नहीं पता, सबवूफर को जितना हो सके फ्लोर पे सेटअप करने की कोशिश करो, क्योंकि फ्लोर पर ही रखने पर सबसे तगड़ी और डीप बेस आती है, एकदम मस्त वाली मजा आ जाता है। पर अभी पहले टेबल पे रख के ही चेक कर लेते हैं, कुछ ऐसी है इसकी इनपुट की वायर जिसको हमें यहाँ पर लगाना है, और ये लग चुका है भाई। वेट भी कुछ खास भारी नहीं लग रहा मुझे, हल्का हल्का सा ही लग रहा है, साउंड बार में डेफिनेटली वजन है भाई। और साउंड बार के अंदर स्पीकर हमें एक यहाँ पर मिलता है और एक हमें यहाँ मिलता है, क्योंकि डिस्प्ले यहाँ दे दी तो इसलिए एक स्पीकर को यहाँ एडजस्ट कर दिया। You're now connected to Bolt Bass Box. मजा आया, क्या भारी भरकम आवाज दे रखी है इसमें। भाई आवाज में दम था यार। ये टेबल हिला के मारने का भाई। वॉल्यूम फुल है इस वक्त। भाई
भाई आवाज तो बम है इसकी कहना पड़ेगा। मैंने बीच में ऐसे उठा करके ना सबवूफर को नीचे रख दिया था, ट्रू बेस पता चल सके कि कैसे आएगी, क्योंकि टेबल तो ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा था। अब इसके अंदर क्योंकि फीचर्स भी बहुत सारे दे रखे हैं तो वो भी सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। तो ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है इसके अंदर, 120 वॉट्स का पीक आउटपुट है, बट इंडिविजुअली कितना कितना आउटपुट है साउंड बार और सबवूफर का वो मेंशन नहीं कर रखा था, टोटल 120 वॉट्स का मेंशन कर रखा है। एंड 48 किलोहर्ट्ज़ वाली हाईरेस ऑडियो का भी इसके अंदर सपोर्ट दे रखा है, एंड एक डेडिकेटेड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर इसके अंदर इंटीग्रेट कर रखा है, जिसके थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसके अंदर ऑडियो अपस्केलिंग भी हो रखी है, ट्रू टू लाइफ साउंड प्रोड्यूस करेगा ये, और रिच साउंड भी, मतलब ऐसे काफी सारी चीजें मिला के साउंड निकाली जाएगी, यू कहने का मतलब है बोल्ट का। इतनी सारी चीजों का सपोर्ट होना वो भी एक बजट साउंड बार में अपने आप में एक बहुत ज्यादा तगड़ी चीज है। तो मेरे को ना अब ज्यादा ही मन हो रहा है कि एक बार इसकी डिटेल टेस्टिंग कर ही लूं तो मैं जा रहा हूँ इसकी टेस्टिंग करने, फिर मिलते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल में है क्या चीज भाई ये। A few moments later. भाई हमने एकदम फुल टेस्टिंग कर लिया है, हर तरीके का गाना बजा लिया, हर तरह की मूवी चला के देख ली, एकदम ऐसे इन डेप्थ टेस्टिंग कर दी है, बिल्कुल खतरनाक सी। पर एक चीज माननी पड़ेगी कि भाई इतने कम बजट में ना इन्होंने साउंड में तो भाई जान लगा रखी है, कुछ भी कहो। एक सैंपल तुम खुद सुनो पहले, अब मैं वॉल्यूम फुल कर रहा हूँ मैक्स आउट। कोई कागज है, कागज लाओ कागज। भाई पन्नी खा जाएगा ये, ऐसा हो रहा था अजगर की तरह। 120 वॉट्स के हिसाब से जो डीप बेस, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते ना वैसी बेस निकाल के दे रखी है। मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट था कि यार इन्होंने ऐसे मार्केटिंग बहुत ज्यादा कर रखी है, बेस बॉक्स वगैरह का नाम दे रखा है, कितना ही तगड़ा होगा, बट भाई मानना पड़ेगा इसकी साउंड क्रेजी है, बेस के मामले में तो बहुत ही जबरदस्त लगी मेरे को। बट यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 120 वॉट्स है तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरा ये रूम है इस रूम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा तगड़ी आवाज आ रही है। बट हाँ अगर तुम एक्सपेक्ट करो कि भाई तुम आउटडोर में जा करके ऐसे खुले में बजाओगे तो भी तुम्हें वैसे ही एक्सपीरियंस मिलेगा, या कोई बहुत ज्यादा कोई होल कमरा है बड़ा सा मतलब होता है जो, फिर यार तो फर्क पड़ जाएगा, फिर तुम कहोगे मेरे को गालियां दोगे नीचे। अगर तुम्हारा 10x10 का बेडरूम है या फिर ऐसा कोई कमरा है जहां पे तुम टीवी के नीचे लगा सकते हो, मेरा स्टूडियो 10x15 के हिसाब से है लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा तगड़े आउटपुट आ रहा है, तो देख लेना अंदाजा लगा लेना। बाकी डिफरेंट इक्वलाइजर्स की बात करें तो मैंने मूवी म्यूजिक और न्यूज तीनों में टेस्ट करा। न्यूज वाले मोड में क्या होता है कि भाई थोड़े वोकल्स एनहांस हो जाते हैं, बेस कम हो जाती है, बट अगर फुल वॉल्यूम रखोगे ना न्यूज में तो भाई फिर थोड़ी फटने लग जाती, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाती है अगर वॉल्यूम फुल रखते हो न्यूज वाले मोड पे, तो मुझे इतना ज्यादा काम का नहीं लगा, उससे बेटर मुझे म्यूजिक लगा क्योंकि बेस वेस सब कुछ बढ़िया आती है उसमें। बाकी मूवी वाले मोड के अंदर एक बार मूवी टेस्ट करा देता हूं, तो लाइव अंदाजा लो यार, मूवी वाले मोड पे कर दिया मैंने भाई, अब जो एक्सपीरियंस है वो हिसाब से देख लो। क्लियर हो गया होगा, मोटा मोटा फर्क ये है कि जैसी मूवी मोड पे शिफ्ट करोगे डायलॉग्स एनहांस हो जाएंगे, तो जैसे मूवी के अंदर चाहिए भी होता है ना कि भाई वोकल्स नहीं दबने चाहिए, वो सेम चीज होगी, तो मूवी वाला मोड इसका बराबर काम करता है, कोई टेंशन नहीं है, और बेस की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मूवी वाले मोड में, तो तुम आराम से एक्शन मूवीज हो या कोई भी मूवी हो धूमधड़ाका सब इंजॉय कर सकते हो। बाकी इसमें ना एक 3D आउटपुट का कुछ ऐसे मेंशन कर रखा था कि ऐसे तुम्हें होम थिएटर जैसी फीलिंग आएगी, होम थिएटर वाली फीलिंग इसलिए नहीं आ पाएगी मेरे हिसाब से क्योंकि देखो 2.1 चैनल है, सारी आवाज सामने से ही आती है, बट होम थिएटर में क्या होता है भाई पीछे से भी आवाजें आती हैं, तो पीछे का स्पीकर तो है नहीं है, बट स्टिल होम थिएटर जैसा थोड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है क्योंकि साउंड पावरफुल है इसकी, तो मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे होगे। बाकी मिड्स हाईज लोज सारे एकदम बैलेंस्ड है, इसके कोई दिक्कत नहीं आती, क्लैरिटी भी जबरदस्त है, अगर तुम गाने वाने सुनते हो तुम्हें बराबर क्लैरिटी आएगी। 5,000 रुपए के हिसाब से क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई, मतलब मैं सच बता रहा हूँ ऐसे बिना सबवूफर वाले साउंड बार आते हैं 5,000 रुपए में भाई, मतलब वो भी अच्छे होते हैं बट भाई सबवूफर इज नेक्स्ट लेवल चीज, जो बेस सबवूफर से आएगी वो नहीं आएगी। तो अगर तुम्हें 2.1 चैनल 5,000 मिल रहा है ना और आवाज अच्छी है जैसे कि इसकी, तो मेरे हिसाब से भाई इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। बाकी मुझे लग रहा है बोल्ट कहीं आगे जाके इसका प्राइस ना बढ़ा दे क्योंकि ये डेफिनेटली भाई 7,000-7,500 तक भी आराम से बिक सकता है जिस हिसाब की इसकी साउंड है। और अगर तुम्हारा बजट इंक्रीज हो जाए तो 8,000 में 180 वोट वाला वर्जन भी आ रखा है इसका,
तो उसे भी कंसीडर कर सकते हो अगर ज्यादा हैवी आउटपुट चाहिए, अगर तुम्हारा कमरा ज्यादा बड़ा है। कुछ मोड्स में हल्का हल्का डिस्टोर्शन आ जाता है फुल वॉल्यूम पे, तो अगर तुम फुल ना रख के दो तीन लेवल कम रखोगे ना, ऐसी प्यारी साउंड आएगी ना, मन भर जाएगा तुम्हारा, मजा आ जाएगा एकदम बढ़िया वाला। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, अगर खरीदना चाहो तो वहां जाकर खरीद सकते हो। बाकी और किसी और साउंड बार का रिव्यू चाहिए तो कमेंट करके बताओ, प्लान करेंगे कुछ बढ़िया चीज लाने का। और मजा आ गया तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।